तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कान के रोगों के जो मंत्र है उसके बारे में। आपको दो मंत्र बताऊंगा इसके अंतर्गत। तो मंत्र है ओम कनक पर्वत पहाड़ धू धू आर धार धूस लेकर डार डार पात पात जार जार हूँ हूँकार ओम क्लीम क्रीम स्वाहा। एक बार और सुन लीजिए, मंत्र है ओम कनक पर्वत पहाड़ धुंधु आर धार धूस लेकर डार डार पात पात झार झार हूँ हूँकार ओम क्लीम क्रीम स्वाहा। यह मंत्र है दोस्तों। और किसी भी शुभ मुहूर्त में दोस्तों सांप की जो बीबी होते हैं उसकी मिट्टी लाइए और इस मंत्र से दोस्तों 21 बार उसे फूंकिए। वह मिट्टी पानी में दोस्तों सान करके लेप करने से कानों का जो है कष्ट है वह मिट जाता है। और दूसरा प्रयोग सुन लीजिए दोस्तों। दूसरा है बना गठी बनरी तो डांटे हनुमान कंटा बिलारी बाघी थनेली कड़मूल सब जाए रामचंद्र का वचन पानी पच हो जाए। एक बार और सुन लीजिएगा, बना गठी बनरी तो डांटे हनुमान कंटा बिलारी बाघी धनेली कड़मूल सब जाए रामचंद्र का वजन मतलब वजन ही है वह वचन पानी पच हो जाए। यह मंत्र है दोस्तों। तो इस मंत्र का दोस्तों भस्म द्वारा पढ़ते हुए रोगी को सात बार आपको झाड़ने से जो कर्ण शूल होता है ना वह नष्ट हो जाता है।